हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त मोंटी, ट्रैवलर, बाइक राइडर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोंटी व्लॉग्स। सो अगर पहली बात आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले जाइए और अपने चैनल को करिए सब्सक्राइब और वो नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। उसकी वजह से मेरे सारे वीडियोज़ के अपडेट आपको आते रहेंगे। सो आज की डेट है 25 दिसंबर और टाइम हो रहा है 12:13। और फाइनली आज हम जहाँ जाने का प्लान बहुत लोगों का बनता है बट सक्सेसफुल नहीं होता। यस, वी आर गोइंग टू गोवा। और अभी फिलहाल बज चुके हैं 12:30 और पैकिंग करनी है सब। रात की ट्रेन है 11:30 की और अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ डीमार्ट के लिए। थोड़ा छोटा छोटा सामान का शॉपिंग करना है, वो शॉपिंग करेंगे, बाद में घर पे आएंगे, पूरा पैकिंग करेंगे और रात को निकलेंगे गोवा के लिए। सो लेट्स गो, चलते हैं डीमार्ट। तो गाइस, अभी आया था डीमार्ट में, जो चीज़ें मंगी थी वो यहाँ पे मिली नहीं। फिलहाल एक खाली एक साइड बैग ले लिया है और अभी बाकी की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मार्केट से लेना पड़ेगा। तो अभी डीमार्ट से जा रहे मार्केट में और ये हमारे शुभम आ गए। तो जाते हैं मार्केट में और देखते हैं क्या क्या मिलता है। लेट्स गो। सो गुड इवनिंग गाइज, अभी बज चुके हैं 6:30 शाम के और 9 बजे अपने को निकलना है पनवेल स्टेशन के लिए, जहाँ से अपनी ट्रेन है गोवा के लिए। अभी फिलहाल पूरा बैग पैकिंग हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बैग मेरा सूटकेस एक बैग कपड़ों से भर गया है। यहाँ पे जो है अपना डेली यूज का सामान है, टॉवेल वगैरह, छोटे नैपकिन, सॉक्स, पेस्ट और वही सब। और एक बैग कैरी कर रहा हूँ मैं, साइड बैग। और यहाँ पे अपने हुडी जो जाते वक्त पहनने का है। और यहाँ पे है गैजेट्स वगैरह से मैसी है सब, वो अभी पैक करने का बैग में। और फिर शाम को निकलना है अपने को, मतलब अभी थोड़ी देर में 2 घंटे में निकलना है, 9 बजे निकलना है। गाड़ी वाले मेरे गाड़ी बुक किया है पनवेल स्टेशन के लिए और वहाँ से 9:30 बजे तक हम निकलेंगे करजत से पनवेल के लिए। 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे तक वहाँ पहुँचना है क्योंकि 11 बजे की ट्रेन है और फिर सीधा गोवा। और यहाँ पे 2 लोग अपनी गाड़ी में आ चुके हैं, अभी 2 जनों की वेट कर रहे हैं जो कि आ रहे हैं शायद से यहाँ से। अभी यहाँ वेट करेंगे विसेगांव में कजत के यहाँ पे। और यहाँ पे है अपने 2 मेंबर्स, एक सौरभ और अपना शुभम। शुभम और 2 पर्सन आ रहे और यहाँ पे दोनों पर्सन। स्टेशन पे और 1 घंटा पहले आ चुके थे क्योंकि कर्फ्यू की वजह से गाड़ी वालों को भी जल्दी जाना था। और हमारा जो ट्रेन है यहाँ से पनवेल स्टेशन से 11:30 को, अभी 10 बज चुके हैं, 1 घंटा बाकी है। अभी यहीं पे टाइम पास वगैरह करेंगे और देखेंगे। तब तक मिलाता हूँ मेरे दोस्तों से जो आने वाले मेरे साथ गोवा ट्रिप पे। सो यहाँ पे अपने दोस्त, इसको मिलाया मैंने, सौरभ को, ये हर्षाली, ये अभी, अरे अपना शुभम। शुभम शुभम। गाड़ी पहुंचेगा 6 बजे तक, तब तक के लिए अभी सोएंगे और
सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स मॉर्निंग 6 o'clock और अभी हम पहुंच गए हैं कहीं पे, तो स्टेशन पे जहाँ पे ट्रेन रुकी है, और हम अपने स्टेशन के लिए आधा पौना घंटा है करमई स्टेशन के लिए, और यहाँ पे स्टेशन है कोई मडूरा करके, और यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे एक तकरीबन आधा पौना घंटे में जहाँ करमई स्टेशन पर अपने को उतरना है और गोवा में जाना है जहाँ पे अपने शुभम का घर है, वहाँ पे हम रुकने वाले हैं एक दिन के लिए। बाद में अपना जो होटल स्टे है वहाँ पे जाने वाले हैं। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं करमई स्टेशन पे, यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं करमई स्टेशन, और यहाँ से अभी यहाँ पे टैक्सीज है, टैक्सीज लेंगे और निकलेंगे घर के लिए। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, अच्छी खासी है, 20-21 डिग्री की ठंडी है यहाँ पे करमई स्टेशन पे, और फाइनली वी आर इन गोवा। सो यहाँ पे जो है ये काउंटर से टैक्सी बुक करना पड़ता है, और उन्होंने ये पर्ची दी हमको 650 टैक्सी का, और लगेज का 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगाया है, टोटली 750 रुपीज़ टैक्सी का। और अभी टैक्सी वाला आ रहा है लगेज के साथ, अभी खड़े। फाइनली गाइज आ चुके हैं गोवा में जहाँ पे अपना घर है शुभम का, और आज का जो व्लॉग है अभी तक का ट्रैवलिंग का वो ख़त्म कर दें यहाँ पे। सो अगर आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोंटी व्लॉग्स, और आने वाले हर व्लॉग के लिए स्टे ट्यून, मज़े करेंगे गोवा में, मचाएंगे। तब तक के लिए बाय।